हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन क्रिएशन। देखिए फ्रेंड्स, आज एक बेबी स्वेटर के लिए देखिए दो कलर का ये डिज़ाइन लाए हूँ। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत, देखिए बहुत ही सिंपल, जस्ट टू टू रो में बन जाती है ये डिज़ाइन। मैंने देखिए ये दो कलर, पिंक और ग्रीन, दो कलर पिंक से और दो कलर ग्रीन से बनाया, तो इस तरह से डिज़ाइन आ गया है। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, दिखने में जितना आपको देख के लग रहा होगा जितना ही ये डिफ़िकल्ट है और बनाने में उतना ही इजी है। जस्ट टू रो आप उल्टा सीधा बनाओगे तो इसका डिज़ाइन आ जाएगा कलर चेंज करके। तो ये डिज़ाइन मैंने किस तरह से बनाया है, चलिए आपको अभी बना के दिखाते हैं। आप इसे कोई भी फंदे के ऊपर ये डिज़ाइन डाल सकते हो, बिकॉज़ ये वन वन में बनता है। ये किसी की डिफ़िकल्टी, किसी की टू टू इस तरह से नहीं, सिर्फ वन वन में सिंपली बनता है। तो चलिए किस तरह से बनाए हैं ये अभी बनाते हैं। ये दो कलर का देखिए बेबी स्वेटर के लिए, बेसिकली ये बेबी स्वेटर शॉल या फिर ब्लैंकेट में डाल सकते हो, बहुत सॉफ्ट है इस तरह का, देखिए स्ट्रेचेबल है। तो ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन जिस प्रोजेक्ट पर डालेंगे उसके स्वेटर का जो बेस कलर है आप उससे रिब बनाइए। ठीक है, देखिए आप कोई भी बॉर्डर डालिए, बॉर्डर डालने के बाद एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बना लीजिए, बट एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। बॉर्डर हो जाने के बाद एक फंदा सीधी और एक फंदा उल्टा बनाने के बाद मैं डिज़ाइन डालूँगी, कलर चेंज करूँगी। इसका बॉडी का कलर व बेस कलर ये होगा, ये अलग कलर है। ये कलर चेंज करने के बाद इसे जस्ट टू रो बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कलर चेंज कर रहे हैं, इसीलिए पहला स्टिच बुन लिया। उसके बाद देखिए इसे ध्यान से देखिए, कलर जब चेंज करेंगे उनको देखिए इस तरह से एक बार लपेटेंगे। ठीक है, दोनों इकट्ठा देखिए, दो फंदा एक साथ लेंगे, दो फंदा एक साथ इकट्ठा उल्टा बुनेंगे। ठीक है, इस तरह से यही रिपीट होता जाएगा, मतलब फिर से ऊन अपनी तरफ है, इसे अपनी तरफ ही रखना है, बट एक बार लपेटेंगे एंड दो फंदा इकट्ठा। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर एक फंदा मेरा घट रहा है, एक फंदा बढ़ रहा है, मतलब बराबर हो रहा है। फिर से लपेटेंगे दो फंदा, ये अगर आपका घूम जाए तो आप इसे इस तरह से निकाल के बना लीजिएगा। उल्टा लपेट के, उल्टा फिर लपेटिए, उल्टा बनाइए, लपेटिए, उल्टा बनाइए, लपेटिए, उल्टा बना लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स ये रहो, इस तरह से ये रहो कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में आपका दो एक इस तरह से आना चाहिए और एक एज स्टिच जिसे हम सीधा बना लेंगे। देखिए सेकेंड रॉ है और ये बैक पार्ट है, इसको ज़रा ध्यान दीजिए, एज स्टिच को उतारेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो बुना हुआ फंदा था उसे उल्टा बनाएंगे, और जो देखिए ये जो हमने जो फंदा हमने फॉल्स लिया था उनको पीछे करके इसको सीधा बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस फंदे को एक फंदा उल्टा, ये जो देखिए ये फंदा सीधा, ये बुना हुआ फंदा था इसे उल्टा, ये फॉल्स फंदा सीधा, मतलब एक उल्टा एक सीधा करके ये रो कंप्लीट होगा। उल्टा उल पीछे करके सीधा, उल वापस करके उल्टा पीछे करके देखिए सीधा।
वापस करके उल्टा सीधा, इस तरह से ये रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये थर्ड रो है, दो रो अलग कलर की होगा। अभी हम देखिए कलर चेंज करेंगे, तो ये बेस कलर से कलर चेंज कर रहे हैं। आप चाहो तो मल्टी कलर दे सकते हो। देखिए इसमें सीधा बनाएंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस कलर से, क्योंकि ये बेस है, इसमें आप एक सीधा और एक उल्टा बनाएं। ये फंदा इस तरह से पूरा सीधा बुना जाएगा, उसके बाद एक रो पूरा उल्टा बुनाएंगे। ठीक है, देखिए आपका डिज़ाइन इस तरह से आएगा। इस तरह से पूरा सीधा बना लें, ये रॉन्ग साइड, और ये फोर्थ रो। यहाँ पर देखिए स्टिच उतार के सबको उल्टा बुनेंगे। उल्टा देखिए, इसके बाद मैं कलर चेंज करूंगी फर्स्ट रो की तरह। जैसे फर्स्ट रो बनाया उस तरह से बनाएंगे, पहला एक इस तरह से बना लेंगे, पहले वाला कलर चेंज है इसलिए। इसके बाद देखिए ऊन को इस तरह से लपेटेंगे, एक बार दो इकट्ठा इस तरह से बनाते हुए जाएंगे, फिर ऊन को लपेटेंगे दो इकट्ठा। लपेटेंगे दो इकट्ठा, देखिए इस तरह से लपेटेंगे और दोनों एक साथ इकट्ठा बुनेंगे। तो आप इस तरह से 1 से 4 रो तक रिपीट करते जाइए, तो आपका डिज़ाइन आता जाएगा। मैं आपको पहला वाला दिखाती हूँ, जिसको मैंने पहले दिखाया। हाँ देखिए, बनाने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। ये पहले वाला देखिए, इस तरह से डिज़ाइन दो कलर में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत डिज़ाइन। थैंक यू फ्रेंड्स, आप इस तरह से बनाते रहिए।